नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी माने जाने वाली लोकसभा सीट जबलपुर में बीते कई सालों से बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। इस बार बीजेपी ने जबलपुर से पहली बार चुनाव लड़ रहे आशीष दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने दिनेश यादव को मौका दिया है। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी के राकेश सिंह ने जीत हासिल की थी। यहां के मतदाताओं की चुनाव को लेकर क्या राय है, ये जानी हमारे संवाददाता संजीव चौधरी ने। आइए देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम मध्य का मन। मध्य का मन टटोलने के लिए आज एनडीटीवी की टीम महिलाओं के बीच में आई है। देश के 50% वोटर महिलाएं हैं, और अब जब हमारी इस चुनाव के बाद अगली संसद आएगी तब 33% महिलाएं इसका प्रतिनिधित्व करेंगी। जबलपुर की महिलाओं से हम बात करेंगे, समझेंगे कि ये क्या चाहती हैं, अगले चुनाव में कैसा हो हमारा सांसद और कैसी बने सरकार। मैडम, क्या चाहती हैं आप, कैसा सांसद चाहती हैं आप, और क्या आप अपने लिए चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जैसे पॉलिसीज़ जो हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्री है हमारी, तो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बहुत बनाई हुई हैं अच्छी, लेकिन जैसे मैं देखती हूँ, मैं उद्योग में हूँ तो मुझे आइडिया है कि नॉलेज रखती हूँ, लेकिन जो मेरे और ग्रुप्स हैं और विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो आना चाहती हैं बिजनेस में करना चाहती हैं, उनको आइडिया नहीं रहता कि पॉलिसीज़ क्या हैं। उनको उस तरह से जो पता चलता है कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई, इतना विमेन को इतना बैंक लोन्स मिल जाएगा, इतनी सब्सिडी मिलेगी, लेकिन जाकर के कहाँ अप्रोच करना है तो इतना लंबा प्रोसेस होता है। फिर आप किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा करने में उसमें टाइम लगता है और उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता वुमेन में, तो जब तक उनको फैमिली का सपोर्ट या किसी का नहीं हो, तो जैसे चाइना टाइप की कंट्रीज़ हैं जहाँ प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ होती है, उस टाइप की अगर हम इंडस्ट्री में या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें तो वुमेन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको चालू करना, या उसमें उनको बाकी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी प्लग एंड प्ले टाइप की फैसिलिटी। तो मेरा ये है कि उद्योग विभाग में या इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं वहाँ पे इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएं। आप चाहती हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम हो जहाँ एक जगह जाए और आपकी सारी समस्याओं का निदान हो। सिंगल विंडो सिस्टम होता तो है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बोला जाता है सिंगल विंडो सिस्टम है, लेकिन जहाँ पे इंडस्ट्री आपको लगानी है, आपको प्लांट लगाना है, वहाँ प्लग मतलब आपका शेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सब हो, आपको सिर्फ अपनी उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट आप ले करके जाए, मशीनरी लेके जाए और आप वहाँ इंडस्ट्री स्टार्ट कर पाए। क्या चाहती हैं आप, कैसा सांसद चाहती हैं, क्या सरकार से आपकी उम्मीदें हैं? मैं ये चाहती हूँ कि क्लीनिंग लेस बढ़े अपनी सिटी में, जबलपुर में, जहाँ जाओ वहीं पे कचड़े का ढेर है। मेरे घर के सामने इतना हीप ऑफ कचरा पड़ा रहता है, तो मतलब क्लीनिंग लेस जो कॉरपोरेशन है वो थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। अभी हम लोग बाहर जाते हैं जैसे, तो उधर देखते हैं, इनफैक्ट आप बाहर नहीं जाओ तो अपने इंडिया में इंदौर की देख लीजिए, कॉरपोरेशन 24 आवर्स काम करता है, रात में भी वो एक्टिव रहते हैं। तो थोड़ा सा साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दें जो कि ज़रूरत है। तो अब आपका जो सांसद आएगा, जब आपके घर वोट मांगने आएंगे, सभी पार्टी के लोग आपके घर पहुँचेंगे, तो आप उनसे कहेंगे कि हमारे मोहल्ले को, हमारे शहर को साफ़ करिए, प्लीज़ साफ़ करिए, थैंक यू। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि यहाँ बच्चों के लिए एजुकेशन हब बहुत अच्छा बन जाए, अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुले, ताकि बच्चे जो बाहर जा रहे हैं अभी मेट्रो सिटी में और फॉरेन जा रहे हो, जबलपुर में सब कुछ उनको मिल जाए, तो यहाँ माँ बाप बच्चों के साथ में रह सके। अभी क्या हो रहा है कि बच्चे बाहर चले जा रहे हैं और माँ बाप अकेले रह जाए, तो ये शहर सोता हुआ शहर में गिनती हो गई कि शांत है, कुछ नहीं है यहाँ पे, यंग जनरेशन नहीं है, तो यहाँ कुछ अच्छा मिलेगा तो बच्चे यहाँ रुकेंगे, अभी जो नहीं हो पा रहा है, तो ये है कि उसके लिए काम किया जाए। कि बिल्कुल ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, बढ़ती जा रही है। हमारे शहर के बच्चे पढ़ के दूसरे शहरों में चले जाते हैं। क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, हमारी सरकार से हमें ये उम्मीदें रहती हैं कि जो हमें जबलपुर शहर में जो सांसद मिले वो हमारी बातें, जो शहर की जो महिलाएं या कोई भी वर्ग जो चाहता है वो सेंट्रल तक अपनी बात पहुंचा पाए। क्या है कि हमारे यहाँ पे विकास की बहुत बातें होती हैं, शुरू भी होता है काम लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, आगे नहीं बढ़ता। जैसे कि अब एविएशन को ही ले लीजिए, फ्लाइट्स, अभी इतना बड़ा एयरपोर्ट बना है लेकिन उसमें फ्लाइट्स नहीं है, फ्लाइट्स कैंसिल होती जा रही है। दूसरा टॉपिक है, एक जो अपने ब्रिजेस बने वो आधे में अटके हुए हैं, आधे बने आधे नहीं बने। तो मैं चाहती हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है पर सेंट्रल ध्यान नहीं देता। आई वॉन्ट अ लीडर जो हमारी बातें सेंटर तक पहुँचा सके और हमारे यहाँ पे विकास हो पाए जबलपुर का।
बिल्कुल, सभी की इच्छा है कि विकास हो, जल्दी जल्दी फ्लाईओवर बने और इतने फ्लाइट आए कि रखने खड़े होने की जगह ना हो। नमस्कार, हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन और अगर हम देखें भ्रष्टाचार, इस पर बहुत काम हो रहा है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा टैक्स के ऊपर भी हो रहा है, जो हम लोगों के लिए परेशानी का कारण हो गया है। जैसे दूसरे देशों में होता है सिंगल टैक्स चलता है, हमारे यहाँ अमका टैक्स, बंधमका टैक्स, कई प्रकार के टैक्स हैं, उसके ऊपर से एक GST और आ गया है। तो ये सारे टैक्सेस जो हैं हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। हम मैक्सिमम जो हैं मिडिल क्लास फैमिलीज टैक्स पेयर हैं, और उसमें अगर हमको इतने टैक्स देने होते हैं तो हम अपने काम पे या अपने व्यापार पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। हमारा आधा समय CA और अकाउंटेंट के पास बैठ के निकलता है कि भाई इस टैक्स का हम कैसे पे करना है, अगर हमने टाइम से पे नहीं किया तो हमको पेनाल्टी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत सरल होनी चाहिए, दिन ब दिन ये सब चीज़ें बहुत जटिल होती जा रही हैं, जिससे कि बिजनेस करना बहुत 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 मुश्किल होता जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि सिंगल टैक्स का जो दूसरे देशों में है वैसी ही सुविधा और सरलता हमारे टैक्स की जो चीज़ें हैं उनमें आए। अगले वित्त मंत्री जी सुन लीजिए, महिलाएं कह रही हैं कि अब ये टैक्सों का जंजाल नहीं चलेगा, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आपके? हाँ, मैं भी यही चाहूँगी क्लीनिनेस के लिए। जबलपुर सिटी बहुत बड़ी है बट क्लीनिनेस नहीं है यहाँ पर, तो जहाँ भी देखो कचरा और नालियाँ निकली हुई हैं और उससे इतनी ज़्यादा स्मेल है, तो क्लीनिनेस बहुत ज़रूरी है अपने सिटी के लिए। सांसद से क्या चाहती हैं आप? ये तो नगर निगम से हम करवाएं। नगर निगम से तो सांसद भी वही उसी में हेल्प उन्होंने नहीं करना है जी। बस थैंक यू। मैम आपके क्या विचार हैं, कैसी सरकार, कैसा मंत्री और कैसा सांसद चाहिए आपको? नमस्कार। देखिए हमारे जैसे और मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि एक स्ट्रॉन्ग दबंग सांसद चाहिए जो हमारे दिल की बात, जो हमारी सिटी की ज़रूरत है। जबलपुर संस्कार धानी है, इतनी फेमस है, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, पर अगर आज आप इंडिया के फ्रेम में हमें देखें तो हम कहीं नज़र नहीं आते हैं। तो एक हमारी बातों को पहुंचाने वाला, और जैसे मेरी एक फ्रेंड ने ब्रेन ड्रेन की बात करी थी, तो मैं ये चाहूँगी कि IT कंपनीज हैं जो वो हमारे आए। जबलपुर बहुत अच्छी सिटी है, वेल प्लेस्ड है, कनेक्शन भी अच्छे हो सकते हैं अगर IT कंपनीज यहाँ पे आ जाएं, और लोगों को जॉब्स तो मिलेंगे ही। साथ में एक जैसा कहा कि बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, सोता हुआ शहर बनता जा रहा है, तो शायद अगर हमारे बच्चे वापस आके यहाँ पे काम करने लगे तो बहुत विकसित हो जाएगा, और बड़े शहर सैचुरेट हो ही चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जबलपुर एक बहुत आइडियल सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है जो कि एक बहुत अच्छा IT हब में तब्दील उसको किया जा सकता है। हम तो टूरिज्म हब भी बना सकते हैं, बिल्कुल सेंट्रल ही बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टूरिज्म के आप भेड़ाघाट आप देखिए, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इतनी सुंदर जगह, मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में दूसरी फॉरेन कंट्रीज भी गई हूँ, जब भेड़ाघाट जैसी कोई जगह नहीं देखी है, पर आप देखिए कि क्या डेवलपमेंट किया है, वही टीन टपड़े वो सब दिखते हैं, तो वो बहुत सैड स्टेट दिखता है वहाँ जाकर। मैं तो सर टूरिज्म से ही रिलेटेड हूँ, और हमारे कुछ गेस्ट अगर आते तो कहते हैं नियाग्रा फॉल हमारे भेड़ाघाट के आगे कुछ नहीं लगता, पर ये मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी विडम्बना है और मध्य प्रदेश सरकार की भी बहुत बड़ी विडम्बना है कि खजुराहो है, ग्वालियर है, मांडू है, इंदौर है, इन सबका तो बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, किंतु हमारा जबलपुर का भेड़ाघाट है वो कहीं पे भी नहीं है, सबसे लास्ट में आता है। टूरिज्म मिनिस्टर भी सुन लीजिए, हमारे भेड़ाघाट को अब वर्ल्ड मैप में लेके आना है। मैम नमस्कार, मेरी भी यही राय है कि जबलपुर को बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ, बहुत ही प्यारी सिटी है, हर कोई सोचता है कि रिटायर होने के बाद यहाँ रहें, इतनी ग्रीनरी, इतना कुछ, और हमें खुद बहुत प्यार है जबलपुर से, पर इसमें एक रुकावट आ रही है कि आप लोग ने फ्लाइट्स ही बंद कर दिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट होनी चाहिए जिससे टूरिज़्म भी बढ़े, बिजनेस भी बढ़े, और यहाँ का नाम हो, और जबलपुर को बढ़ता हुआ मेरे ख्याल सभी देखना चाहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी रुकावट है जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ फ्लाइट स्टार्ट कीजिए और हर तरह से स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब सुन लीजिए, आपने एयरपोर्ट तो बना दिया 450 करोड़ का, पर फ्लाइट नहीं है, चाहते हैं कि सब
सब फ्लाइट है, कुछ और बोल रहे थे। बस इसकी वजह से बिजनेस बहुत इफेक्ट हो रहा है और एक टूरिज्म भी बहुत इफेक्ट हो रहा है जबलपुर के लिए। फ्लाइट कनेक्टिंग और सब हो जाएगा तो टूरिज्म भी बढ़ेगा। जबलपुर में बहुत स्पॉट्स है, बेरा घाट इनी बरगी है और पुराने किले हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह है, स्टैंडिंग स्टोन है, मतलब हर जगह को मतलब दिखाइए, मतलब अच्छा बनाइए। मैम बताइए क्या चाहती हैं आप अगले सांसद से और हमारे मंत्रियों से? हाँ जी, मैं अगले सांसद से चाहूँगी कि केंद्र तक ये बात पहुँचाएं जो सिर्फ जबलपुर की नहीं पूरे इंडिया की बेसिक नीड है। एक तो पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए वो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली महंगाई कम हो जाएगी, और दूसरा है कि LPG गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए जो कि हमारी जो गृहणियाँ हैं जितनी भी उनका बजट पूरा हिल जाता है उसकी वजह से। चूल्हा फ्री है, गैस महंगा, हाँ, सिलेंडर महंगा है। तो बस मैं ये चाहूँगी कि ये दो चीज़ें हो जाएं तो बहुत हेल्प हो जाएगी सबकी। एक तो पेट्रोल के दाम कम हो जाएं और एक LPG सिलेंडर सस्ता हो जाए। और जान लीजिए पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ये सब चाहती हैं कि गैस और पेट्रोल दोनों के दाम कम हो जाए। मैम नमस्कार, जैसे सब लोगों ने बोला सफाई जो सबसे बड़ा पॉइंट है हमारी सिटी के लिए, उसमें ऐड ऑन करना चाहोगी जो अभी एक महीने से हमारे जबलपुर में ट्रैफिक को लेके जो अभियान चल रहा है वो कभी कभी पुलिस की तरफ से इतना वियर्ड हो जाता है, मतलब वो डंडा लेके स्कूटर के पीछे या ऐसे भागते हैं। जैसे कल ही की बात है, ठीक है हेलमेट नहीं पहना वो हमारी गलती है चीज़ों में, ठीक है। अब मेरा डेली 2-व्हीलर से जाना होता है मेरे बुटीक पे, तो लिटरली पुलिस वाले ने डंडा लेके ऐसे मारना चाहा सो दैट उससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है आप अभियान चलाइए लेकिन आप उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं करा रहे हैं। जैसे छोटी लाइन फाटक जो थी जो अभी बनी है वो सर्कल इतना कंफ्यूजिंग है, 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ सिर्फ उस सर्कल की वजह से, तो वो व्यवस्था कैसे है? अभी जो फ्लाईओवर बने हैं उसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट वो भी यही चीज़ है, उस पर लोग यू टर्न गलत लेके जाते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और आगे भी शायद काफ़ी बड़ा हो सकता है। और भी 2 सर्कल्स ऐसे हैं जहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, पुलिस तो बैठा देते हैं लेकिन उसको मैनेज नहीं किया जा रहा है। ये अभी शायद ये बहुत बड़ा चीज़ों में ये तब्दील हो सकता है क्योंकि मेरा ये खुद भुगत भोगी हूँ, एक्सीडेंट हुआ उसी सिग्नल की वजह से। तो इसके लिए देखिए इंडिया की बात हर लोग करेगा बड़े लेवल पे, जब तक हम छोटे लेवल से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आगे बढ़ेगी नहीं। सफाई लोग बोलते हैं शहर गंदा है, हम अपना घर साफ रखेंगे हमें देखते देखते मोहल्ला साफ रहेगा। ठीक है हम तो करते हैं लेकिन जो कर्मचारी हैं वो भी अपने एफर्ट्स डालें, और वो एफर्ट्स जब डालेंगे जब ऊपर से उन्हें ऑर्डर्स मिलेंगे और जब उन्हें सैलरी मिलेगी, सबसे बड़ी बात यही है। वो यही बोलते हैं हमें तो पेमेंट नहीं मिलती है मैम हम क्या करें, हमें जितना मिलता है हम करें। तो ये चीज़ है, आप वोट जब मांगने आते हैं हमसे तो ऐसा तो नहीं है आपकी जेबें भरी नहीं रहती है, फंड्स तो आपको सफिशियंट मिलता है, मोर देन इनफ मिलता है। तो आप वर्कर्स को सैलरी टाइम पे दें अपने, जितने भी नगर निगम के हैं वो अपने आप अपना काम करेंगे। हम हमेशा ब्लेम करते हैं, ब्लेम करना ईजी होता है, तो उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। सांसद जी ध्यान दीजिए, जबलपुर की ट्रैफिक वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है, सब लोग परेशान हैं। जब नर्मदा जयंती होती है, दुर्गा उत्सव होते हैं, गणेश उत्सव होते हैं तो पूरा शहर पैक हो जाता है। ये सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रैफिक का कोई रोड मैप बनाया जाए। यस मैम नमस्कार, जैसे कि सब लोग आप अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, जबलपुर में रहते हुए मैं इंडिया की बात तो ठीक है करूँगी, पर जैसे कि पहले बताया कि सब शुरुआत हमारे घर से होती है और जबलपुर हमारी संस्कार धानी है, पर यहाँ इस संस्कार धानी का जो प्रजनन जिस जगह से हुआ है नर्मदा जी से, अगर हम उधर दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन तो हम कर लेते हैं, नयन सुख नहीं मिल पाता, शांति नहीं मिल पाती, वजह नर्मदा घाट ही इतना गंदा रहता है, इतना दूषित रहता है, अगर हम उसकी सफाई नहीं कर सकते। आज मैं गई, मैंने कचरा नहीं डाला, चलिए एक आध दो बॉटल, हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दूसरी दो बॉटल भी उठा के डाल देंगे, पर हर इंसान ये चीज़ें नहीं करता। जब तक वहाँ सफाई नहीं होगी हमारी प्रगति नहीं होगी, क्योंकि पानी जल सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जीवन का स्रोत है, जब तक वो नहीं साफ होगा हमारी अंदर कुछ भी साफ नहीं हो सकता, हमारी बरकत ही नहीं हो सकती। वायु और जल ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वास्तु हर जगह की सही रहती है, तो उसे सही रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जय हिंद। बिल्कुल, जबलपुर में लाखों लोग रोज नर्मदा दर्शन के लिए जाते हैं और संस्कार धानी की
नर्मदा जीवन रेखा है। आप लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई चर्चा नहीं की, और मैं कोई अगर इस विषय में बात करना चाहता हूँ, जबलपुर, मतलब मुझे जबलपुर के बारे में पता है, लिकर कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अपने यहाँ। हर थोड़े थोड़े दूर पे, चाहे वो स्कूल हो या मंदिर हो, मेरे घर के बगल में मंदिर है, उससे 50 मीटर के दूरी पे ही बियर बार है। तो ये क्यों हो रहा है, मतलब ये इतना ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, ऑब्वियस ही बात है, इट्स ऑब्वियस। तो उस चीज़ पे या तो रोक लगा दी जाए, या तो कोई टाइम लिमिट होना चाहिए कि उस टाइम के बाद, ये भी टाइम लिमिट भी शायद 11 बजे के बाद शॉप्स बंद रहते हैं, लेकिन पीते हुए भी तो लोग मिलते हैं। तो इस चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली काम होना चाहिए, क्योंकि वो एक चीज़ है जिससे आगे न्यूसेंस होती है चीज़ों में, ये लेडीज़ के लिए, लेडीज़ क्या बच्चों के लिए भी, बच्चे भी हमारे स्कूल से आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरे घर के बाहर कल आ रही है, तो हमने उसके लिए बहुत चीज़ों को किया, कुछ सुनवाई नहीं हुई, 50 मीटर की दूरी पे मंदिर है, कुछ नहीं। हाँ, तो बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। सांसद जी, जो भी, जिस भी दल के जो भी प्रत्याशी सांसद बनेगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि महिलाएं इस शहर की जो नागरिक हैं वो चाहती हैं कि अब नशा बंद हो, तभी हमारा शहर और हमारे बच्चे प्रगति कर पाएंगे, हमारा शहर सुरक्षित रहेगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। मध्य का मन जानने के लिए हम आए हैं IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हॉल में। कुछ यंग, बिल्कुल युवा डॉक्टर हमारे साथ हैं, इनकी क्या सोच है, हमारा नया संसद सदस्य कैसा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए हमारे देश की सरकार। सर, आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्पर्श नायक है, मैं जोड़ प्रत्यारोपण व आर्थोस्कोपिक सर्जन हूं, एंड ये इलेक्शन जो हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और इसमें हमारी कुछ उम्मीदें हैं एज अ डॉक्टर्स कि जो भी नई सरकार आए वो ये डॉक्टर्स की मांग पूरी करे। जैसे एक तो सरकारी स्कीम्स रिलेटेड है कि जो आयुष्मान है, CGHS हैं, इनके रेट्स जो बहुत समय से रिवाइज नहीं हुए हैं, उनको वापस रिवाइज किया जाए। और दूसरा जो पॉइंट है वो है डॉक्टर्स की सेफ्टी के प्रति, कि डॉक्टर्स के सेफ्टी के लिए और कड़े कानून आने चाहिए और स्विफ्ट एक्शन होना चाहिए। जब आपके पास जो नया प्रत्याशी है, सारे दलों के आएंगे, उनसे क्या मांगेंगे आप? यही जो मैंने आपको बताया कि यही उम्मीदें हैं, एंड जो भी करें डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए, अच्छे के लिए करें, ताकि हम और समाज की और मदद कर सकें। अमरेंद्र जी नमस्कार। बिल्कुल समय आ गया है अब नई सरकार बनने का। बिल्कुल सर, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आ रहा है। हमारा कहना यह है सर कि हमारे जो जबलपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिस भी पार्टी से आएँ, हमारा कहना है जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश का हृदय है और मध्य प्रदेश भारत का हृदय है। जबलपुर के लिए कुछ होना चाहिए, जबलपुर की जनता के लिए कुछ होना चाहिए। आयुष्मान भारत के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी की बहुत ही अच्छी ये स्कीम है, उन्होंने इसमें पूरी अपना जान लगा दी है, बट मध्य प्रदेश में इसमें टाइमली पेमेंट नहीं होती, इसमें गलती अधिकारियों की भी नहीं है। बार बार हम IMA के माध्यम से, अस्पताल संघ के माध्यम से, चर्म रोग विशेषज्ञों के माध्यम से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि आयुष्मान भारत में कई लोग ठगी कर रहे हैं। जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं वो गरीब मरीजों को बेवकूफ़ बनाकर अस्पतालों में ऐसे एडमिट करा देते हैं जहां आयुष्मान भारत होता ही नहीं है, या जहां मोदी जी की फोटो तो दिखाते हैं बट बोलते हैं 5,000 सिर्फ मिलेगा, जबकि मिलना चाहिए 5 लाख तक। हमने बार बार प्रधानमंत्री साहब से तो नहीं हो पाती बात, बट मुख्यमंत्री साहब को बोला, कई लोगों को बोला कि जो MOU में लिखा था, हर एम्बुलेंस के अंदर आपको एक CCTV लगाना चाहिए और एक ऐप रखना चाहिए जिससे ट्रेस हो कि वो गरीब मरीज कहाँ जा रहा है। उसके लाखों रुपए ले रहे हो तुम, खेत बिकवा दे रहे हो, मरने के लिए फिर उसको मेडिकल में पटक दे रहे हो। ये पूरे घटनाक्रम का एम्बुलेंस ड्राइवर अकेला 50,000 रुपए ले ले रहा है, जो कई बड़े बड़े डॉक्टरों की फीस नहीं है। इस पर हम चुनाव के बाद PIL लगाएंगे, चुनाव के पहले ज़्यादा कुछ करते तो मुश्किल में आ जाते हम, ये कहीं और चल रहा होता इंटरव्यू, बट अभी चुनाव के बाद हम ये अपना मुहिम को आगे, जन अभियान को लेके जाएंगे। बट मेरी करबद्ध प्रार्थना है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है घर घर मोदी, हर घर मोदी, पूरे 550 सीट पे मोदी जी अभी आ भी रहे हैं मोदी जी, बट हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जबलपुर सेंट्रिक काम करना चाहिए। ये मध्य प्रदेश और हमारे देश की प्राइड थी जबलपुर, ये पीछे होता जा रहा है, इससे सब कुछ छिनता जा रहा है, इससे चीज़ें छिनना नहीं चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत विश्नोई हूँ। जैसा कि आपने बातचीत छेड़ी कि जनप्रतिनिधि से क्या अपेक्षा है, सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि के नाम में ही जुड़ा हुआ है जो जनता का प्रतिनिधित्व करे,
तो हमारी अपेक्षा भी कुछ इसी प्रकार से रहेगी। ये देखिए, जो भी चुन के आएगा वो कहीं ना कहीं अपनी बात पार्लियामेंट में रख सकता है, पर यदि हमारी समस्याओं को कोई समझने वाला नहीं होगा, जैसे अभी बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं होती हैं, अभी आयुष्मान की बात चल रही थी, तो उसमें आप समझें कि आयुष्मान भारत योजना में एक बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन होता है मोतियाबंद का। मोतियाबंद का ऑपरेशन सिर्फ आप देखेंगे मध्य प्रदेश में आयुष्मान से कैंसिल हो चुका है, लेकिन बाकी अन्य राज्यों में चल रहा है। ऐसा क्यों? इसके प्रति कोई आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। देखिए, सरकार की तरफ से जब कोई लीगल एक्शन होना होता है, सख्ती लागू होनी होती है, वो तुरंत हो जाती है, ये अच्छी बात भी है, ऐसा होना भी चाहिए। परंतु इसके विपरीत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपके जितने भी लोग हैं, देखिए एक अस्पताल ओनर जो रहता है वो कई सारे सोर्स ऑफ आपके जॉब्स रहता है, वो कई लोगों को जॉब्स भी देता है, फंक्शंस करवाता है सोसाइटी में, कई लोगों के इनकम स्टेटस बढ़वाता है, घर चलवाता है, तो उसकी तरफ से कहीं प्रॉब्लम्स आती है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि पिछले साल कहीं अग्निकांड वगैरह हुआ था, उसमें इतनी सारी गड़बड़ी और इतने सारे नए नियम आए थे और तुरंत एक एक रात में ही लागू कर दिए गए थे, और इसमें कई अस्पतालों को सीधे बंद कर दिया गया था। हुआ क्या नतीजा? उसके कारण वो अस्पताल जो कोविड में कहीं आपकी सेवा कर रहे थे और उसको भगवान का दर्जा दिया जा रहा था, वहाँ पर आपने उनको लिटरली ऐसा कर दिया कि आप चोर हैं और जेल में बंद कर दिए जाएँ। नतीजा ये भी देखने को मिला उसका कि हम कहीं ना कहीं अपने स्टाफ की सैलरीज वगैरह देने में चूक रहे थे, तो अल्टीमेटली पैसा कौन? वो बेचारा गरीब आदमी जिसके पास घर में बैंक बैलेंस स्टोर रहता है, वो तो बच जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बार हम अपने जनप्रतिनिधि से ये अपेक्षा करेंगे कि हर थोड़े थोड़े टाइम में समाज के अलग अलग वर्गों से सिर्फ मिल बैठ के इतनी सी चर्चाएं पर चर्चा कर ले कि आपके मन में ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आप भी समाज से जुड़े हो, आप भी चार लोगों से मिलते हो, ऐसी क्या समस्याएं हैं जो मैं यहाँ से ले जाके दिल्ली सीधे मोदी जी के कान में डाल दूँ बात। और मोदी जी तो सबका सोचते ही हैं, वो खुशी से आ रहे हैं, हम इंतजार है कि अगली सरकार कब बन के आ रही है। बस यही है कि कुछ और छोटी छोटी मुद्दे अगर और सॉल्व होंगे तो दिल से खुशी का जो एक लेवल है वो एक अलग ही आसमान पर होगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नचिकेत पांसे है, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। जैसे अभिजीत भाई ने बोला कि हमारी बात सेंटर तक पहुंचाने के लिए, मोदी जी तक पहुंचाने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि अगर मेहनत करेंगे तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। हर एक सरकारी योजना, हर एक सरकारी स्तंभ जो अभी खड़ा हुआ है वो किसी न किसी प्रकार से एक जनरल पॉपुलेशन के लिए, उनकी मदद के लिए खड़ा हुआ है। हम भी यहाँ पे उसी लिए खड़े हुए हैं कि भैया हमारे पास में अगर कोई मरीज आता है तो उसको इस पर्टिकुलर योजना में इस प्रकार से मदद किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि इसके बीच में जो एक लॉजिकल एक स्टेप है कि भैया हम किस प्रकार से इसको आसान कर सकते हैं। आज के डेट में पेशेंट अस्पताल में आने डलता है, डॉक्टर कई बार पेशेंट का इलाज करने से डलता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में वो फिट नहीं बैठता, किसी पर्टिकुलर कोड में फिट नहीं बैठता, इस कारण से पेशेंट घूमता है, उसके आजू बाजू बेचारा डॉक्टर घूमता है, और फाइनली इन दी एंड क्या होता है, या तो टाइम पे मरीज को इलाज नहीं मिलता या तो वो डॉक्टर उसको इलाज कर नहीं पाता। हम चाहते हैं ये जो कंटिन्यूसली एक प्रोसेस चल रहा है सरलीकरण का, इसको हम अलग अलग योजनाओं में डालें, इसको एक इजी टू एक्सेस तरीके से जनरल पब्लिक तक पहुंचाएं और उससे फिर चीज़ें बेहतर हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य परिहार, एमडी मेडिसिन हूं मैं जबलपुर से। तो जैसा हम चिकित्सक हैं तो चिकित्सकों की बातें करूंगा मैं। तो अभी जो सबसे ज़्यादा है वो हम लोग चाह रहे हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर बात होए। आगामी जो आ रही है सरकार उसका हम लोग अभिवादन करते हैं और चाहते हैं भ्रष्टाचार की कमी आए। भ्रष्टाचार कैसे? आज की डेट में कोई भी अस्पताल खोल रहे हैं 45 से ऊपर परमिशंस लगनी है, तो 45 परमिशंस के लिए 45 जगह जाना पड़ रहा है, तो ये समझिए आप 45 खिड़कियां हैं जहां पर भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है। तो कुछ ऐसा करें अपन कि एक खिड़की हो जाए, एकल खिड़की हो जाए, जिससे भ्रष्टाचार कम हो जाए। तो एक अपेक्षा ये भी है हमारी कि कम से कम भ्रष्टाचार हो हमारी फील्ड, क्योंकि हम स्वास्थ्य से जुड़े हैं तो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य ही शुरुआत हो जाए। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जो मेरी अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। अगर ये हो जाए और समझते हैं सभी लोग वहाँ पर ऊपर जो बैठे हुए हैं कि इससे कुछ लाभ होगा भारत का, जो कि हम लोग आपस में तो चिकित्सक चाहते ही हैं ऐसा हो, और उससे निश्चित रूप से लाभ होगा कि एक ही समय में पूरे भारत में एक इलेक्शन हो, तो उसमें नुकसान नहीं इससे फ़ायदा ही होगा। तो ये भी हमारी एक इच्छा है। सुन लीजिए, जो भी सांसद महोदय अब आने वाले हैं, कि आपको प्रधानमंत्री और हमारे नागरिकों के बीच की एक कड़ी बनना है। डॉक्टर ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं कि आप साथ बैठिए और समझिए कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है। आयुष्मान भारत बहुत अच्छी स्कीम है, सारे डॉक्टर्स की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो विसंगतियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो भी हमारे नए संसद महोदय को संसद में और प्रधानमंत्री तक ले जाना होगा। यही आशाएं हैं सभी की।
वीरेन शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।